गंगा के किनारे बसा हुआ आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम। वैसे तो एक आश्रम वो साइड है और दूसरा इस तरफ। ये जानकी पुल है, ये गंगा घाट, सुंदर गंगा का बहता हुआ पानी, यहाँ गोमैया, और इस घाट को बिल्कुल लगते हुए ये आश्रम। चलो अंदर जाके देखते हैं क्या है। लेट्स गो। पहाड़ों के बीच एक तरफ पहाड़, पीछे भूतनाथ मंदिर, और एक तरफ गंगा मैया, और उसके बीच में ये आश्रम। नया बना हुआ जानकी पुल जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होता है, यहीं पे लग के है ये आश्रम। अंदर चल के देखते हैं। वैसे अभी यहाँ पे 3 आश्रम है, उसमें से ये एक है। विजयानंद सरस्वती जी इसके मठाधीश है। अभी अंदर आते से ही इस तरह से कई सारे रूम्स है, इसके 2 फ्लोर्स है। सामने बड़ा मेडिटेशन हॉल। इस आश्रम की विशेषता यह है कि यहाँ पे साधु भंडारा होता है, तो यहाँ के जितने सारे साधु है वो यहाँ पे आते हैं, उनको जो महीने का पूरा जो रेशन देना होता है, या अभी तो काफ़ी टूरिस्ट भी कम है यहाँ पे, तो सबको रेशन देना, सबका खाना यहाँ से आश्रम से सबको दिया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ साधुज आर गेटिंग बेनिफिटेड, दे आर गेटिंग देयर डेली मील्स थ्रू दिस आश्रम। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल हॉल, वी जस्ट गो इन साइड एंड सी द हॉल ऑल्सो। दिस इज़ अ मेडिटेशन हॉल, ये एक मेडिटेशन हॉल है सुंदर सा। अभी कोर्सेस वगैरह तो नहीं हो रहे, पर आप देख सकते हो यहाँ पे साधु भंडारा होता है, तो कई सारे जो फल है साधुओं के लिए, मास्क, उन्हें जो अभी कोविड के लिए दे नीड मास्क, एंड देन देयर आर सो मेनी फ्रूट्स, टी, टूथपेस्ट एंड सोप्स, एंड देन देयर इज दिस राशन ऑल्सो, गुड जैग, देयर इज जैगरी एंड वॉट एवर दे नीड। नो साधु भंडारा, साधु भंडारा इज ऑर्गेनाइज बाय वन ऑफ द कोर्स, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स, विच इज गेटिंग कंडक्टेड ऑनलाइन एंड इज सपोर्टेड बाय ऋषि विद्याधर जी एंड हिज एडवांस कोर्स पार्टिसिपेंट। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल हॉल, इट इज सो मेडिटेटिव हियर, सो पीसफुल। ओके, सो वी विल सी, देयर इज दिस यज्ञशाला ऑल्सो आउटसाइड, विल गो देयर। बाहर यज्ञशाला भी है, देखो सुंदर सा गार्डन है, और ये सब यहाँ पे ही यज्ञशाला है। तो यज्ञशाला में बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, सारे होम हवन यज्ञ जो है अपने वैदिक पद्धति से वो चलते आ रहे हैं। आप देखोगे दीवारों पे अलग अलग वेदों के जो श्लोक है, उपदेश है, वो लिखे हुए हैं, और 300 लोगों की ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पे किचन है, खाने के लिए बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनता है। यज्ञशाला, किचन, विल गो टू किचन, किचन देखते हैं। द व्यू फ्रॉम द टेरेस इज वेरी ब्यूटिफुल, आई विल शो यू दैट। ऊपर टेरेस से बहुत सुंदर व्यू है गंगा जी का, हम जहाँ से आए वो भी हम देखेंगे कुछ समय में।
ये पूरी रहने की व्यवस्था है यहाँ पे, रूम्स आर वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। वृद्ध पतंग गजमीज अली एक एक करनाश पांच विषयरथ पुरुष जो कहनी पुनी करा तासु। तो इस तरह से अलग अलग सब चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। अगेन आप देख सकते हो रूम कॉरिडोर ऑफ अवर ऋषिकेश आश्रम। अंदर यहाँ पे किचन है, अभी तो ज़्यादा लोग नहीं हैं इसलिए देखो सब ये साधु भंडारे के लिए पैकेट्स बनाए हुए हैं ताकि जो भी आए वहाँ पे, जितने भी साधु आए उनको खाना जो है राशन है दिया जा सके। ऑल द साधुज कैन बी प्रोवाइडेड विद राशन, ऑल द राशन दे नीड, सो दे आर क्रिएटिंग पैकेट्स हियर। एनीबडी कैन कम एंड ईट इन द आश्रम, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। This is dining here, and again this is kitchen. We'll not go in kitchen because I'm wearing footwear. But again, भैया है जो सारा बनाते हैं बड़े बड़े बर्तन, और जिस तरह से आश्रम में व्यवस्था होती है उसी तरह से ये है। यहाँ पे सारे प्लेट्स आपको खुद धो के रखने हैं खाना खाने के बाद। इस तरह से बड़ा सुंदर सा आश्रम, हम ऊपर से भी देखेंगे इसको। वापस रिसेप्शन एरिया में आए हुए हैं और ऊपर से व्यू देखने के लिए चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में स्वामी जी भी बैठे हुए हैं। जय गुरुदेव स्वामी जी, नमस्ते प्रणाम स्वामी जी। यहाँ पे साधु भंडारा होता है, काफ़ी उसका महत्व है, हमने देखा भी अभी सबने, तो ये साधु भंडारे का क्या महत्व है और जिसको योगदान देना है किस तरह से दे सकते हैं? देखिए साधु भंडारा का मीनिंग होता है साधुओं को भोजन कराना या साधुओं को कपड़े वस्त्र दान देना। और जैसे कहा जाता था जो ऋषिकेश है ये तो साधु संतों की ही भूमि है, तो इसमें क्या होता था जैसे विद्यार्थी लोग है साधु लोग है तो साधु लोगों को मिलने का एक बहाना होता था, तो साधु लोग आते थे चर्चा करते थे फिर उनको यहाँ पर उनको भोजन कराया जाता है तो उसको साधु भंडारा कहते हैं। और काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं, वेदा पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें सीखते हैं, आश्रमों में सीखते हैं, तो एक परंपरा रहती थी कि वो अलग अलग जगह जाके आज एक आश्रम में भोजन करेंगे, कल दूसरे आश्रम में भोजन करेंगे, परसों तीसरे आश्रम में, तो ऐसे उनका जो जीवन का निर्वाह होता था साधुओं का सारे आश्रम के द्वारा ही होता है और सारे आश्रम उसकी टेक केयर करते हैं। तो हफ्ते में अपने यहाँ एक या दो बार साधु भंडारा हम करते हैं, तो उसका ऋषिकेश के जो भी साधु संतगण हैं गणमान्य व्यक्ति है साधुओं में वो भी लोग आते हैं भोजन करते हैं, फिर उनके साथ मंत्रों का उच्चारण होता है, फिर थोड़ी बहुत चर्चाएं होती है संत जगत की, आपस में ज्ञान की चर्चाएं होती है। तो आप लोग भी चाहे तो जैसे कहते हैं कि अन्न लेने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है, हम देखो कोई भी दान जो होता है अन्नदान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि अन्नदान में जो व्यक्ति है वो खाने के बाद तृप्त हो जाता है, उससे ज़्यादा एक लिमिट के बाद खा नहीं सकता, आप अमृत भी रहे तो भी उतना ही पिला सकते जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो वैसे ही फिर अन्न जब वो खाता है उसके बाद फिर वो उसके मन में जो तृप्ति के बाद जो अनुभव आशीर्वाद निकलता है वह सब फलीभूत होता है और वह कहीं ना कहीं वह आशीर्वाद जो हमारे जो मन पर बैठे हुए कई हम कहते हैं मल विक्षेप आवरण और जो कृपा बन के हमारे साथ आते हैं और उसके द्वारा ये मल विक्षेप आवरण दूर होते हैं और जीवन में जो सारी सुख समृद्धि है आशीर्वाद से प्राप्त होती है। तो मैं कहूँगा अगर किसी को दान करना हो साधु भंडारे के लिए ताकि हमसे भी साधुओं के लिए उनको तृप्ति मिले तो किस तरह से हम कर सकते हैं? आप अपने आश्रम की जो लिंक है वह लिंक पर आप क्लिक करके डोनेशन बटन साधु भंडारे के ऊपर दबा सकते हैं, तो जिससे यह जो सारा फंड है यह आश्रम की जो ट्रस्ट है उसमें आएगा और वह फंड का जो इस्तेमाल है यह जो पैसे का दान का इस्तेमाल है हम साधुओं के भंडारे के लिए करते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। हम देखते हैं आगे का आश्रम देखते हैं। स्वामी विजयानंद सरस्वती जी से हमने बात की अभी, काफ़ी उनका अभी केदारनाथ में जब उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था कि -10 डिग्री टेम्परेचर में जाके उन्होंने
जो है तपस साधना वहाँ पे की। रात को 3 बजे जब गए, 5 बजे केदारनाथ का मंदिर खुलने वाला था, तो बैठ गए लगभग 40 मिनट्स टू 1 आवर उनका वो पूरा ध्यान साधना रही। तो यहाँ से आप देख सकते हो आश्रम का ये व्यू है, बाहर बैठने की भी व्यवस्था है, आपको ध्यान करना हो रूम में गंगा जी को देखने के लिए तो वो भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और आपके काम भी ना रुके इसलिए वाईफाई वगैरह का भी व्यवस्था यहाँ पे सब कुछ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ बनाया हुआ काफ़ी कंफर्टेबल ये आश्रम है। और इसके टेरेस से जो अभी तो गंगा जी का पानी थोड़ा कम है, पर यहाँ से आप देख सकते हो कितना सुंदर ये सब पूरा नज़ारा है। यहाँ पे बैठो, अपनी साधना करो, जो भी आपको सुबह सुबह यहाँ बैठ के साधना करनी है। एक तरफ ऋषिकेश के पहाड़ और भूतनाथ मंदिर, सुंदर सा पहाड़ों में जो है, और दूसरी तरफ बहती हुई गंगा मैया। इतना ये सुंदर सा नज़ारा पूरा ऋषिकेश आश्रम का। और भी 2 आश्रम्स में आपको दिखाऊंगा ये पूरा नज़ारा 360 डिग्री। आई टेक यू टू द रूम, किस तरह से रूम्स है तो देखते हैं रूम्स। अभी तो नीचे आने से ये पहला रूम है, आई डोंट नो वो प्रिपेयर्ड होगा नहीं होगा, खोल के देख लेते हैं। हाँ सो इस तरह से रूम्स है, काफ़ी स्पेशियस है, आराम से बैठने की भी जगह है, लोग रह सकते हैं। तो ये बाहर एक कमरा है, यहाँ पे जो पैंट्री या किचन कह सकते हैं उस तरह से ये सारे रूम्स यहाँ पे है। फुल साइज मिरर है, सो आई विल बी केयरफुल। वॉशरूम्स, और बहुत ही ठंडा यहाँ का जो पूरा जो वातावरण है, इट्स वेरी कूलिंग। तो बड़ी सुंदर और कंफर्टेबल रूम्स भी यहाँ पे है, व्यवस्था की गई है। और अगर गर्मियों में अगर आपको एयर कंडीशन की आदत है तो वहाँ यहाँ पे वो सब भी है। बड़ा सुंदर सा ये पूरा अरेंजमेंट, इनफ कंफर्टेबल अरेंजमेंट, एंड जस्ट गंगा जी सामने। आश्रम में साधु भंडारा है, तो कई सारे महात्मा जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं अभी। तो साधु भंडारे का महत्व यही है, सारे जो महात्मा लोग हैं, जो सारे साधुगण हैं, साथ में आते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं और एक दूसरे से ज्ञान एक शेयर करते हैं, साथ में बैठते हैं। तो आज अपने ऋषिकेश आश्रम में जो है साधु भंडारा हो रहा है, आप ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो साधु भंडारे के लिए। तो नहीं नहीं उनकी काम चल रहा है ना, उनके कुटिया के काम चल रहा है ना। सबसे मिलना, सारे साधुओं से मिलना, सबकी खुशहाली पूछना, तो राशन दिया जाएगा अभी तो सारे साधुओं को। फल, चाय, साबुन है ये, डिश वॉश नहाने का साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट्स, फिर पोहा है, चावल है, तेल, गुड़, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लगती है, वो सब साधुओं भंडारा में सबके साथ बांटी जाती है। Yeah.
सारे साधु लोग आके अपने अनुभव बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। संतों के लिए जो सेवा प्रदान की है, सभी संतों के तरफ से उनको बहुत बहुत शुभाशीष, वो दीर्घायु है और सदा स्वस्थ रहे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। तो जो एक मनुष्य जीवन में एक संकल्पना है कि जिससे हम देखो अपनी गृहस्थी चल रही है, साथ साथ ध्यान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और दान दे रहे हैं, तो जीवन कहा जाता है संपूर्ण हो जाता है और साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद है ही हमारे साथ। तो जो जैसे आप हमने चार दिन का जो तप है और जो पुण्य हम कहते हैं कि सब जगह हमको देना है पुण्य, तो ये पुण्य भी उसमें ऐड हो जाता है और ये पुण्य भी हमको दान के स्वरूप में जैसे हमने किसी को दिया है तो वो भी सारे आपकी फैमिली है, पूर्वज है, उन सबको मिलता है। आज कहा गया है 14 है यह कार्तिक पूर्णिमा की और यह बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो आप सभी भक्तजनों को जिन्होंने यह सब ऑर्गेनाइज कराया, सारे भक्तों को और ऋषि जी को, सारे साधु संतों की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। सारे जितने भी भक्त हैं सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और सुख का आविर्भाव हो और गुरुदेव की कृपा हमेशा ऐसी ही बने रहे। मैं कहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ये सब कार्य के लिए लोगों को एडवांस कोर्स हुआ, यज्ञ हुआ, भंडारे हुए, सबको प्रेरित करेंगे तो आपके जीवन में और माने उनके जीवन में खुशी आएगी और उनके जीवन में जब खुशी आएगी तो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं उसका आविर्भाव होगा।